मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूं, एक ऐसा रिमेडी देने जा रहा हूं जो आज तक आपने सुना नहीं होगा, और यह रिमेडी इतना जल्दी फलित होगा ऐसा आप सोचे भी नहीं होंगे। जो व्यक्ति प्रेम के लिए तड़प रहे हैं, प्यार के लिए तड़प रहे हैं, या उनका प्यार कहीं खो चुका है, नफरतों में तब्दील हो चुका है, ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए रिमेडी है। बस आपको उस रिमेडी को शुरू करना है और मात्र 10 से 15 दिनों में रिजल्ट आपको यह रिमेडी दे देगा। प्रेम सिर्फ वासनात्मक ही नहीं होता है, भाई बहनों का प्रेम भी प्रेम ही होता है। कोई माता पिता के प्रेम और प्यार के लिए तड़प रहा है तो वह भी प्रेम ही होता है। कोई अपने रिलेशनशिप के लिए तड़प रहा है वो अभी प्रेम ही होता है। प्रेम के बिना इस दुनिया में कोई मानव तो नहीं जी सकता, दानव जरूर जी सकता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ने कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो मित्रों, अब ज्यादा आपका हम समय नहीं लेते हुए मैं उस उपाय को बताने जा रहा हूं। यदि आपका प्रेम संबंध किसी से खराब हो गया हो, चाहे आप पति पत्नी हो, रिलेशनशिप खराब हो गया हो, या आप किसी से तरफा प्यार कर बैठे हो, लेकिन उस प्रेम की प्राप्ति आपको नहीं हो रही हो, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना यह है कि आप अपनी कुंडली को खोलिए और उसमें आप अपने पंचमेश को देखिए, यानी कुंडली के लग्न भाव से आप 5 खाना आगे बढ़िए वहां से लेते हुए, और वहां पर आप देखिए कि आपकी कौन सी राशि बैठी हुई है। जो भी राशि हो, मान लीजिए सिंह राशि हो, तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। अब इस सूर्य का पता लगाइए कि आपके कुंडली के किस भाव में बैठे हुए हैं। जिस भाव में आपके सूर्य बैठे हुए हैं, अब ये पता लगाइए कि वह किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली सारी रिपोर्ट दे देगी कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। आप जब नक्षत्र का पता लगा लेते हैं तो 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्र के एक एक सिंबॉलिक एनिमल होते हैं। ये आप नेट के द्वारा जान सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप देखकर समझ जाइएगा कि जो आपके ग्रह हैं या जो नक्षत्र हैं उनका सिंबॉलिक एनिमल क्या है। आप उस सिंबॉलिक एनिमल को एक प्लेन पेपर पर, चाहे प्लेन काला पेपर हो या वाइट पेपर हो, किसी पर भी आप पेन या पेंसिल से उस फिगर को बनाइए। हाँ, ये ध्यान रहे कि जिस पेन या पेंसिल से आप फिगर बना रहे हैं उसका जो कलर है वह आपके ग्रहों से मेल खाना चाहिए, यानी जो आपका पंचमेश भाव का स्वामी है, अगर सूर्य हुआ तो सूर्य का जो कलर होता है, जैसे ऑरेंज होता है, तो आप उसे ऑरेंज पेन से या पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। अब रही है सवाल कि क्या व्हाइट पेपर पर ऑरेंज दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो आप जस्ट उसका अपोजिट पेपर ले सकते हैं, ब्लैक पेपर पर भी लिख सकते हैं। तो आप उस एनिमल का फिगर बना दीजिए, और जिस व्यक्ति का प्रेम आप पाना चाहते हैं उसका तस्वीर उसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद जो भी आप कुछ संदेश लिखना चाहते हैं कि मुझे इस व्यक्ति का प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, जो भी आपको लिखना है आप लिख दीजिए, अपना सिग्नेचर कर दीजिए, और उसके ऊपर आप एक गुलाब का फूल रख दीजिए। गुलाब का फूल रखने के बाद आप उसे कहीं भी 10-15 दिनों के लिए रख दीजिए, जहां पर आपकी नजर पड़ती रहे, कभी कभार आप उसे देख लिया करें। आप देखेंगे कि 10 से 15 दिनों के अंदर स्थितियां बदलने लगी है, कोई ना कोई गुड न्यूज इससे रिलेटेड आपको आना ही है। अगर किसी कारण से ये चीज फेल्योर हो गया तो आप इसका रिपीटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन 16 दिनों के बाद ही रिपीट कीजिएगा, 16 दिनों से पहले नहीं।
हाँ मित्रों, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपका प्यार तो मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं मिला तो भाई मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप मेरे पास प्रश्न मत खड़ा कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज चाहे आप लाख उपाय कर लें वो संभावित नहीं होती है। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं। यदि आपको पूरा विश्वास हो हमारे ऊपर तो इस काम को कीजिएगा, ले काम नहीं भी हो तो कृपया कर हमको दोषारोपण मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी कहीं से सुना है और आपकी भलाई के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। हाँ, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना तो मेरी आकांक्षा आपसे रहेगी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।